नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से जानते हैं कल आतंकी हमला हुआ रियासी में, जहां पर एक यात्रियों की बस पर कायर आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई, जिसके चलते ड्राइवर नियंत्रण खो गया और गाड़ी जो थी बस जो थी गहरी खाई में गिरी, जिसमें 10 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 33 लोग अलग अस्पतालों में इस समय यानी के गंभीर यानी अवस्था में उनका इलाज चला, जख्मी अवस्था में है। इस समय कांग्रेस पार्टी का आज प्रदर्शन किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी द्वारा इस घटना को की चॉइस यानी के इस घटना को निंदनीय बताया गया और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। वो उसी के चलते रमन भल्ला जी भी यहाँ मौजूद है। जानने का प्रयास करें तरुण जी से, टोनी भी अन्य नेतागण भी यहाँ मौजूद है। चलिए इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक बार फिर से जम्मू को दहलाने का प्रयास किया जा रहा है, घाटी जैसे हालात को यहाँ पर यानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पर जहाँ पर एक तरफ कहा जा रहा है रमन भल्ला जी एक तरफ से कहा जाता है हालात सामान्य शांति है, तो फिर से इस तरह की घटना और बड़े सवालों को खड़ा करती है। भाजपा की दावा जो था उसकी पोल खुल के रह गई है कि जो दावे बड़े करते थे, कहाँ पे शिवखोड़ी की बात करें, कहाँ पे शाहदरा शरीफ में ऐसी वारदात होना, बसंतगढ़ में बात होना, रजौरी के ज़िले में ऐसी वारदात होना, लगातार जो इलाका शांत पूर्वक बहुत से गुजर रहा था, आज वहाँ पे कानून व्यवस्था चरमराशी गई है। और चिंता का विषय है कि इतने लोगों की जाने जाना, इस वक्त हम टिप्पणी नहीं करेंगे, इस वक्त हम उन लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करेंगे जिनकी जाने गई, जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि फौरी तौर पर रिकवरी उनकी हो सके, उनको प्रॉपर तौर पर कंपनसेट किया जाए, लेकिन साथ में भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। आज ललकार अली इनकी कहाँ पे गई, आंखों में आंखें बात करने वाली जो बातें करते थे कहाँ पे गए, आज इतने लोगों की जाने जाना। मैं समझता हूँ ये समय ये भाजपा कटघरे में है, लोगों के सामने जवाबदेही बनती है कि क्या कानून व्यवस्था है। विपक्ष के लोगों की नेताओं की तो सारी सुरक्षा उन्होंने विड्रा कर ली है, इस ढंग से वो कैसे उन लोगों के इलाके में जा सकेंगे कि जहाँ पर उन्होंने अपने इलेक्शन कंपेन के लिए अपना दो, चाहे वो पंचायतों की हो, टाउन एरिया कमेटी को हो, या असेंबली की घोषणा किस वक्त भी हो सकती है। ये लगता है कि सरकार बुखलाहट में आके इन चीज़ों की अनदेखी कर रही है। प्रधानमंत्री जी का तीसरे टेन्योर का शपथ ग्रहण करना और दूसरी तरफ इस तरह का हमला क्या दर्शाता है? मैं कहता हूँ सर मंडवाते ओले पड़े, हमें इन चीज़ों का संज्ञान लेना पड़ेगा। हमें दुख है कि जो यात्री चाहे बाहर के, वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आए थे, जम्मू कश्मीर में आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, और वहाँ से कानून व्यवस्था के चरमरा रहना, क्या सिक्योरिटी रिव्यू करें, आज सिक्योरिटी की कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं है, साथ ही में वहाँ पे उनकी पुलिस चौकी थी, उसके बाद ऐसी वारदात होना, ये चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि इन चीज़ों का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, कड़े शब्दों में नहीं, लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें लचकीले भाषण नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए ताकि टेररिज्म को जड़ से हम खत्म कर पाए। हमें बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए, लचकीले भाषण नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्शन, और वो एक्शन होना भी चाहिए, किसका मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। इस समय लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से एक बार फिर से जम्मू को दहलाने का प्रयास किया, घाटी जैसे हालात यहाँ पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। और सब तौर पर लोग यही कह रहे हैं एक बार फिर से ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए ताकि नस्तो नाबूद इनके मंसूबों को किया जाए, ऐसी गतिविधि करने वालों को किया जाए। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कि यात्री जो आए थे शिवखोड़ी के दर्शन करके वापस चली। इस समय बुलंद आवाज है आम जनता की, तरनजीत सिंह टोनी हमारे साथ मौजूद है। टोनी जी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? जहां पर एक तरफ हम कहते हैं शांति है, सब कुछ ठीक है, और वहीं पर दूसरी तरफ एक तरफ शपथ ग्रहण का कार्य समारोह चल रहा था और दूसरी तरफ ये घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे? देखें, ये बीजेपी के खोखले दावों को पेश करता है और उसको दर्शाता है कि बीजेपी जो है ये बेसिकली सिर्फ खोखले दावे करती है और बाकी कुछ नहीं। दे आर प्लेइंग विद नंबर्स एंड फिगर्स। बाकी हर बार कह देते हैं 20 मिलिटेंट आगे, 30 मिलिटेंट आगे, और फिर जब हो जाता है कोई बड़ा हादसा फिर ये मुंह छुपा के बैठ जाते हैं। आज बीजेपी के कुछ लोग जाके बोल देंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम 100 बार कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम 100 बार कहते हैं टेररिज्म मुर्दाबाद, लेकिन उसका ये हमारे लोगों को बचाना हल तो नहीं है ना। आज आपके हाथ में सुरक्षा है, और आज मैं समझता हूं कि आज बीजेपी जो जवाबदेह है इसके, ये प्रशासन जो है ये बीजेपी द्वारा तो चलाया जा रहा है, उसकी सरकार द्वारा तो चलाया जा रहा है, मोदी सरकार द्वारा तो चलाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारी जो ये यूटी है जम्मू कश्मीर की, जो राज्य था पहले, ये
हमारी इकोनॉमी जो है ही पिलग्रिम बेस्ड और टूरिज्म बेस्ड। अगर ये हिट हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमारा बदनामी होगी। देखिए यूपी और दिल्ली से लोग आए हैं और उनके कईयों को तो परिजन के लिए पता भी नहीं, वो जिंदा भी है नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो हम कामना करते हैं कि वो तंदुरुस्त, जो जख्मी है वो ठीक हो जाए, और जो सरकार से कहेंगे कि जो लोग शहीद हो चुके हैं उस भगवान के नाम पे, उन लोगों को जो है अच्छा मुआवजा दिया जाए, और दूसरा क्राइटेरिया फिक्स किया जाए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है सुरक्षा एजेंसियों में उनके ऊपर भी कोई गाज गिरे, कोई भी मुआवजा किसी की जान को वापस ला सकता वो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उसके जो पीछे रह गए हैं परिजन उनको एक सहानुभूति का पैकेज है, बाकी जिंदगी का कोई मुआवजा तो हो ही नहीं सकता। हमारे सूत्रों के आधार पर जो खबर हमारे पास आ रही है विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर, 8-9 दिन से पहले इनपुट थे कि ऐसी कोई घटना होने वाली है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस तरह की घटना को अंजाम देना लापरवाही क्या बरती गई है। फिर यही तो एक दर्शाता है कि ये सरकार सीरियस नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर, ये सरकार अपने रोटियां सेक रही है, अपनी सियासत में बिजी है, लोगों के मुद्दों पर ये भटक चुकी है। मीटर लगाने के लिए ये वो जीरो लाइन के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, पानी जो पहुंचाना है किसानों को उसके ऊपर जीरो फोकस नहीं है। आप शहर में आप कह रहे थे कि हम जहां मीटर लग जाएंगे वहां बिजली कहां जाएगी, अब आज 4-4 घंटे के कट लगे। तो मैं समझता हूं कि ये हर मुद्दे पे विफल है, और खासकर जो है टेररिज्म, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस रियासत का, और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदेह है, और जो लोकल सरकार प्रशासन है, लोकल जो एजेंसियां हैं वो भी इसके घेरे में है, शक के दायरे में है, कि उन लोगों को भी देखना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी नजरअंदाज क्यों किया इस मुद्दे को जब उनके पास इनपुट थी। साफ तौर पर हमने देखा कांग्रेस के द्वारा भी आज भाजपा सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए, क्योंकि भाजपा सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है कि जम्मू कश्मीर में अब शांति पर, इस तरह के लगातार जो घटनाएं हो रही हैं बड़े सारे सवालों को खड़ा करती हैं, क्योंकि जो सूत्रों के आधार पर हमें खबर आ रही थी कि कुछ दिन पहले से इनपुट था कि ऐसी कोई घटनाएं होने वाली है, पर उसके बाद भी अगर पूरी तरह से सख्ती या चौकसी नहीं बरती गई तो लापरवाही किसकी कहेंगे। कहीं ना कहीं बड़े सवाल एजेंसियों पर भी खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर भी, और अगर इनपुट थे इसके बावजूद भी क्यों लापरवाही बरती गई कि नाले और खड्डों से उन गायर आतंकियों ने रास्ते अपनाए और एक बस को निशाना बनाया जिसमें लगभग 10 यात्रियों की जान गई है जो यूपी और दिल्ली के रहने वाले हैं, और उसके बाद 33 जो है इस समय गंभीर अवस्था में है। वहीं पर अगर बताएं घायल हुए हैं जो अभी नारायणा अस्पताल में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया कि LG मनोज सिन्हा भी वहां पहुंचे, क्या कहा था वो भी कुछ देर में हम अपलोड करेंगे, पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि चिंता का विषय है और एक सवालिया निशान है कि आखिर कब अंकुश लगेगा इन कायर आतंकियों पर, आखिर क्यों नहीं, यानी कि इनपुट होने के बावजूद भी क्यों नहीं इस घटना को होने से रोका गया, बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवाहर।